नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र जदयू नेता आशीष जी हैं। इनसे जानेंगे कई सवाल, लगातार छात्रों के बीच में बने रहते हैं और चर्चा का विषय भी बने रहते हैं। आशीष जी, बताइए कि कॉलेज से आप जुड़े हुए हैं, छात्रों को जब मदद करते हैं तो कैसा लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले पब्लिक ऐप के दर्शकों को मेरा वंदन और अभिनंदन। जहाँ तक बात रही कॉलेज में छात्रों की समस्या को निदान करने की या हेल्प करने की, तो हम लोग का संगठन में ही है संघर्ष करना, काम करना। काम करने के बदौलत ही हमारे संगठन में जगह मिलता है और कामयाबी मिलता है। कॉलेज के लिए कई आंदोलन भी आप लगातार किए हैं, शरीक भी उसमें हुए हैं, छात्र में अलग रहा, क्या लगता है कॉलेज पहले और अभी कितना फर्क आ गया? ये तो कहने का चीज़ नहीं है, खुद देखने का चीज़ है। मान के चलिए 10-100 के आंकड़ा स्पेस हो सकता है, पहले 10 था तो अब 100 हो चुका है। कॉलेज देखिए, हमारे कॉलेज में पीजी का चालू हो गया है, पढ़ाई भी हो रहा है। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी जो दर्शक हैं उनको कहना चाहते हैं, छात्र ऐसी कॉलेज के छात्र छात्राएँ, कि जो 75% कॉलेज में उपस्थिति नहीं होंगे, उनका फॉर्म फिलअप नहीं होगा और परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को सूचित करते हैं। इसीलिए आप लोग क्लास आए अपना डिपार्टमेंट में क्लास रोज कीजिए। अच्छा आशीष जी, आप छात्र जीवन के अलावा राजनीतिक श्रृंखलाओं में काफ़ी देखने को मिला, पंचायती राज व्यवस्था का जब चुनाव हुआ था वहाँ भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। अब नगर परिषद का चुनाव हुआ, यहाँ आपका काफ़ी तस्वीर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, काफ़ी वायरल भी हो रहा है, रहें राजनीतिक माहौल में क्या कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जब से छात्र जीवन में आए हैं तो संघर्ष ही करते रहे, और जहाँ तक बात रही नगर परिषद चुनाव ने, तो हम सिर्फ एक तरफा धनंजय भैया का शुरू से ही समर्थन में थे और उनका प्रचंड जीत हुआ। इसके लिए हिलसा नगरवासियों के जो मतदाता हैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जी बताइए, कई विश्वविद्यालय में शासन चुनाव हुआ है, अब क्या लगता है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जब बना है अभी तक एक बार भी चुनाव नहीं करवाई, लगभग 3-4 साल हो गया है चुनाव नहीं हुआ, क्या लगता है कि आसार दिखते हैं इसके? कुछ तो कुछ आसार दिख रहा है कि चुनाव होगा, 2023 नया साल आएगा तो उम्मीद हो रहा, जग रहा है हम लोग का कि चुनाव होगा, यूनिवर्सिटी चुनाव कराएगा। कहा कि सेशन सबका है, जो एकजुट मैंने कर लिया गया है, सबका रेगुलर कर लिया गया है, तो उम्मीद जग रहा है हम लोग का। और हम लोग काम भी कर रहे हैं कि चुनावी मोड में हम लोग काम भी कर रहे हैं कि चुनाव आने वाला है तो काम कर लेंगे, तो हम लोग को छात्र छात्राएं मदद करेंगे और हम लोग चुनाव जीतेंगे। मतलब तैयारियां छात्र संघ चुनाव का भी चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है, 2 महीना पहले से ही हम लोग छात्र संघ चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, अब यूनिवर्सिटी कब से इसका घोषणा करता है, उसके बाद फिर हम लोग पूरे तनमन से लगेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और चुनाव में हम लोग चुनाव फाइट करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या लगता है कि अब जो राजनीति चल रहा है उनके क्षेत्र में विकास होगा? विकास कहने का चीज़ है, एक विकास का गंगा है, उल्टी गंगा नालंदा के लिए बहे हैं, जो उत्तर से दक्षिण की दिशा में गंगा जल राजगीर में आ रहा है हमारे, ये तो क्या बोल सकते हैं, एक वरदान साबित हुआ है नालंदा वासियों के लिए। मुख्य पार्षद के लिए प्रचंड जीत मिला है हिलसा के धनंजय कुमार, इसी कॉलेज से थे वो और इस कॉलेज में आप रहते हैं, इसी से अपना जीवन की शुरुआत राजनीति से किए थे, क्या कहेंगे? जैसे देखिए, बड़े भाई धनंजय कुमार जी, उनका राजनीतिक शुरुआत हमारे महाविद्यालय इसी कॉलेज से ही हुआ था। 2009 से करीब राजनीति का शुरुआत किए थे, जब हम लोग छोटा थे, उतना जान पहचान नहीं था, तब से ही वो राजनीति कर रहे हैं और संघर्ष किए, संघर्ष रोड से लेके जहाँ भी रहे मदद करते रहे, चाहे कोरोना काल हुआ जो भी रहे, सब कुछ में मदद किए और आज एक मुकाम पे पहुँच गए और हिलसा का नए अध्यक्ष बन गए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ।